हे दिस इज कैम डिजाइन तो दोस्तों आज की जो वीडियो हमारी होने वाली है वो स्प्लिट और ट्रिम पे होने वाली है तो वीडियो मैंने पहले भी इस पर बनाई थी मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो एक बार फिर से मैं इस पर वीडियो बनाऊँगा और मैं डिटेल में बात करूँगा ठीक है तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें टू तो गेट ट्रिपल टी टिप्स ट्रिक्स एंड टूटोरियल उट मेकिंग एनी फर्दर यू लेस गेट स्टार्ट दिसकम इन वी एस डी सी तो भाई लोग मैंने एक वीडियो इंपोर्ट कर रखी है ऑलरेडी बाकी वो सेटिंग वगैरह जो आप लेते हैं स्टार्टिंग ब्लैंक प्रोजेक्ट वगैरह वो बहुत सारी में बताया तो मैंने ये डायरेक्ट ओपन किया है तो मैंने ये वीडियो ली है तो इसमें मान लीजिए मुझे वीडियो को कट करना हो बीस से स्प्लिट करना हो ठीक है यहां से इतना अलग करना है वीडियो को इतना अलग करना है तो इसके जो ये आया आपको आप देख रहे होंगे ये ये पॉइंट जो है ना इसका कर्सर का पॉइंट और ये मैं जो शो कर रहा हूं हाईलाइट कर रहा हूं अगर ये आपको जानना है तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है कि आप कर्सर की पोजीशन या किसी पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट कैसे करेंगे तो आप वो चेकआउट कर लीजिएगा मैं इस पर आई बटन पर डाल दूंगा वीडियो को तो मान लीजिए आपकी वीडियो इस तरह से आपको बीच से काटना है तो इस पर आप ड्रैक होल्ड करिए की को लेफ्ट की को और इसको ड्रैक कर लाइए जहां पे भी आपको काटना है उसको छोड़ दीजिए वहीं ठीक है और जिस टाइमलाइन पे या जिस फाइल पे या जिस उस पर काम कर रहे हैं आप वो हमेशा सेलेक्ट होनी चाहिए जैसे ये अनसेलेक्ट है इस पर क्लिक करेंगे सिलेक्ट हो जाएगी फिर आप एडिटर में जाइए ठीक है और यहाँ पे कटिंग एंड स्प्लिटिंग दिखा रहा है आपको तो ये ब्लेड जैसा जो साइन बना है स्प्लिट इन टू टू पार्ट्स तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये दो भागों में काट देगा एक मिनट ये कट गया देखिए अब ये पार्ट अलग हो जाएगा और ये पार्ट इधर का अलग हो जाएगा स्लो हो गया मेरा सिस्टम भी मैंने बताया था आप लोगों को मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम चल रही है जिस वजह से अभी ये दिक्कत करता है अब देखिए ये पार्ट अलग हो गया और ये पार्ट अलग इसको मैं मूव भी कर सकता हूं दो अलग अलग पार्ट में स्प्लिट हो गया तो ये तो हमारा स्प्लिट था ठीक है ये हमारा स्प्लिट हो गया स्प्लिट में दो भागों में हम काट देते हैं अपने फाइल को अब मान लीजिए आपको आगे का एक सेकंड काटना है ठीक है ये तो मैंने रैंडमली बीच में कहा कर्सर रोक के मार मार दिया अब मान लीजिए आपको आगे से स्टार्टिंग से एक सेकंड काटना है या दो सेकंड काटना है ठीक है या आपको एक फ्रेम काटना है या दो फ्रेम काटना है ठीक है तो आपको मैंने ये बताया था ये जो पैनल है ठीक है ये पैनल जो है इस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक फ्रेम मूव करेगा कर्सर और इस पर करेंगे तो आपके नेक्स्ट सेकेंड पे मूव करेगा इस पर करेंगे तो नेक्स्ट फ्रेम पे लिख के आ रहा है देखिए इस पर करेंगे तो नेक्स्ट सेकेंड पे। तो मान लीजिए आपको एक सेकेंड पे काटना हो तो इस पर क्लिक करिए तो आपका ये कर्सर जो है वो मूव करेगा अभी एक सेकेंड पे, एक सेकेंड पे मूव हो गया ठीक है अब मान लीजिए आपको इसी से यहीं से काटना है तो आप इसको ऐसे रहने दीजिए एडिटर में जाइए और स्प्लिट चला दीजिए तो एक्जैक्टली exactly एक सेकेंड पे आपकी वीडियो स्प्लिट हो जाएगी ठीक एग्जैक्टली exactly एक सेकेंड पे आपकी वीडियो स्प्लिट हो जाएगी तो ये देखिए स्प्लिट हो गई ठीक है अब ये एक सेकेंड पे स्प्लिट हो गई अब इसको आप डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा कंट्रोल जेड इसी तरह आप एक फ्रेम पे भी कर सकते हैं पीछे से करना चाहे तो पीछे से आगे से आगे से अब मैं बात करूंगा एडिटर में जाइए अब ये अगला है ट्रिम या कट ऑफ फ्रेगमेंट ठीक है तो ट्रिम में अभी कट आउट फ्रेगमेंट छोड़ के मैं ट्रिम स्टार्ट की बात करता हूँ मान लीजिए आपने इसको मूव कराया देखिए जो स्प्लिट होता है स्प्लिट जो होता है वो तुम्हारा दो भागों में काटता है और जो ट्रिम होगा वो जिस तरफ आप प्रोवाइड करेंगे वो उतना आगे के काट देगा मैंने मान लीजिए इस वीडियो की टाइमलाइन पे इसको रखा और उसके बाद मैं एडिटर में गया ट्रिम पे मैं गया अब मुझे आगे का काट देना है जहाँ पे कर्सर है उस पोजीशन से आगे का मुझे कटना है तो ट्रिम स्टार्ट करते ही आगे की चीज कट जाएगी ठीक है स्प्लिट करके आप अलग करेंगे उसके बाद डिलीट कर सकते हैं ट्रिम करने पर आपकी वो जहाँ पे आपका कर्सर होगा और जो ऑप्शन आप लेते हैं उसका आगे का वो ट्रिम कर देगा ट्रिम और स्प्लिट में डिफरेंट है डिफरेंस है उसके बाद आपका उसके बाद आपका जो अगला वाला है वो ट्रिम बैकवर्ड है मतलब एंड है तो ट्रिम स्टार्ट लेंगे तो आगे से ट्रिम कर देगा ट्रिम एंड लेंगे तो उसको पीछे से ट्रिम कर देगा ठीक है अब जैसे इसके नीचे ये है ट्रिम एंड ट्रिम स्टार्ट तो ये हम समझ गए होंगे आप मान लीजिए आपका कटआउट फ्रेगमेंट है तो यहां पे ये दो आप देख रहे होंगे जिनके बीच में कर्सर लाई कर रहा है ये ठीक है तो इसको आप अगर ऐसे खींचेंगे तो खींचाया अब ये फ्रेगमेंट जो आपका सिलेक्टेड है ठीक है जो फ्रेगमेंट आपका सिलेक्टेड है कटआउट फ्रेगमेंट उसी पे वर्क करेगा ऐसे अगर आप बिना इसको सेगमेंट को सिलेक्ट किए हुए अगर आप करने कोशिश करेंगे तो नहीं होगा एडिटर में गया उसके बाद फ्रेगमेंट पे आया मैं ठीक कट आउट फ्रेगमेंट करिए अब जो आपका फ्रेगमेंट सिलेक्टेड था वो कट के ख़त्म जितना नहीं सिलेक्ट था वो बच गया ये वहाँ पे बहुत यूजफुल होता है फॉर एग्जांपल आपको बीच से कुछ काटना है कुछ सेकंड ठीक है तो वहां पे आप इसको मैनवली बहुत हैंग कर रहे है अब ये देखिए मान लीजिए बीच से आपको इतना एरिया काटना है यहां से लेकर यहां तक आपने सेलेक्ट किया एडिटर पे गए आप कट आउट फ्रेगमेंट तो ये कट गया ठीक मर्ज हो गया कट के तो ये हमारा फ्रेगमेंट उसने काट दिया अब जहां पे फ्रेगमेंट काटा होगा वहां पे ये आपको रेट दिखाएगा कि यहां से आपने काटा है फ्रेगमेंट को ठीक है तो ये हमारा एडिटर में हमने ट्रिम और स्प्लिट पे बात कर ली और जो अगर शो हो रही मेरी कीबोर्ड में कीज वो जानने के लिए मैंने बता दिया है आप चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए वीडियो का टॉपिक सजेस्ट करिए मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा तो आज की वीडियो में इतना ही तब तक के लिए अपना ख्याल रखें धन्यवाद